हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कंटेंट की बात करते हैं, तो वाई सीसीटीवी कोर्स की बात करते हैं। जनरली हमारे सिक्योरिटीज हमारे सोसाइटी के सर्वेलांस यानी निगरानी से जुड़ा हुआ एक सेक्टर है या जॉब रोल है कह सकते हैं, क्योंकि जॉब कैसे जॉब प्रोवाइड करता है। तो जो आसपास के हमारी सोसाइटीज, हमारे शॉप, शॉपिंग मॉल्स या बड़ी बिल्डिंगे, बड़ी इमारतें, कारपोरेट ऑफिस, ऐसी जगहों में जो कैमरे यूज करते हैं उसको हम जनरली सीसीटीवी कहते हैं। सीसीटीवी का फुल फॉर्म की बात करते हैं बेसिकली, तो इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट टेलीविजन। एक क्लोज सर्किट होता है वहाँ पे जो कनेक्टेड होता है विथ केबल, और उसको हम एक टेलीविजन के थ्रू मॉनिटरिंग कर पाते हैं, तो इसलिए इसका ऐसे नाम है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो इस कोर्स में पूरा चारों तरफ आप खुद देख सकते हैं सीसीटीवी और सिक्योरिटी के लिए कितने हम सेंसिटिव होते हैं और कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो ये पूरा एक्सप्लोर करता है रोल का सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी का, और बेसिकली आपका एआई ये जो है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस कंटेन करता है, और हर इंसान अपने आप को सिक्योर करने के लिए इसका यूज करता है। तो मैं फिर कहूंगा कि बेसिकली तीन तरह से ये दोनों स्किल्स का यूज कर सकते हो आप। फर्स्टली आप जॉब के लिए कर सकते हो, सेकेंडली आप खुद का अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप यूज कर सकते हो, और तीसरा आप खुद के पर्सनल यूज के लिए भी इसको सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप सोलर पीवी इंस्टॉलेशन यूज करना चाहते हो अपने घर में, तब भी आपको किसी न किसी को हायर करना पड़ेगा और आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप सीसीटीवी जैसी चीजों को यूज करना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी कोई बाहर से हायर करना पड़ेगा और आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो तीनों इम्पोर्टेंस है इसकी। आप जॉब के लिए भी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो इसको सीख के, आप खुद का एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिससे आप कुछ लोगों को रोजगार दे सकते हो, और तीसरा आप खुद के घर में खुद के पर्सनल यूज के लिए भी आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो की हाइलाइट्स है इम्पोर्टेंस ऑफ सीसीटीवी, तो बेसिकली सर्विलांस आज के समय में चारों तरफ हमें निगरानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तरह तरह के क्राइम्स हो रहे हैं तो उसके लिए ये यूजफुल होता है, मॉनिटरिंग के लिए यूजफुल होता है। और इस समय एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है अपनी सोसाइटी में, उसका इम्पोर्टेंस लेने के लिए भी ये बहुत जरूरी है, और इससे एक एक्यूरेसी मिलती है हमारे निगरानी में, तो इसलिए भी हमें ये यूजफुल होता है। और ये एक प्रकार से एक नेसेसिटी हो गया है पूरे पब्लिक प्लेस के लिए कि इसको लगाना ही लगाना है, और बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर्स गवर्नमेंट के द्वारा भी कंपलसेशन कर दिया गया है कि आप इसको होटल्स और ऐसी जगहों में जो पब्लिक प्लेसेस हैं यहाँ पे आपको सीसीटीवी लगाना कंपलसरी होगा। तो इस तरह से ये हमारी डिमांड जनरेट करता है जॉब की, और हमें इस तरह की स्किल सीख के इस डिमांड को भरना चाहिए, और जो प्लेस बनी है प्लेसमेंट की या जो रोजगार की उसे हमें एक्यूपाई करना चाहिए। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं कि एक सीसीटीवी जो टेक्नीशियन होता है या सीसीटीवी जो ऑपरेटर होता है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्टली ये इंस्टॉलिंग, उसके बाद मेंटेनेंस करना, उसको मेंटेन करके रखना कंटिन्यूअसली, उसको रिपेयर करना, जो सिक्योरिटी कैमराज होते हैं उनको रिप्लेस करना, कंप्यूटर नेटवर्क मेंटेन करना, उसको सही करना, और अदर्स इक्विपमेंट भी होते हैं, फॉर एग्जांपल केबल, कनेक्टर्स, इनका भी रख रखाव करना, और जो वीडियो सर्वेलांस सिस्टम है उसको मेंटेन करना, ये सब हमारे रोल्स होते हैं सीसीटीवी ऑपरेटर्स के। देन सेकेंड में आते हैं मॉनिटरिंग द ऑपरेशन ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट फॉर मेनू मेल फंक्शंस। तो इसमें हमें ये भी देखना होता है कि जो हमारे सीसीटीवी कैमराज लगे हैं वो उसका मिसयूज ना हो और उसका कुछ गलत तरीके से उसमें काम ना हो। रिकॉर्डिंग इवेंट्स, फॉर एग्जांपल कुछ फुटेज वगैरह वहां से निकालना डिजिटल फॉर्मेट में, कहीं पे किसी को रिफरेंस के लिए प्रोवाइड कराना, लॉग बुक्स होती हैं सिक्योरिटी इंसिडेंट की उसको मेंटेन करना और उसका प्रॉपर टाइम पे रिपोर्ट करना, पूरे सिक्योरिटी जो इक्विपमेंट होते हैं, अलार्म, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होते हैं, उसको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना। उसके अलावा जो फायर्स और मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो भी सीसीटीवी ऑपरेटर्स के जिम्मेदारी में आती है, उसको भी मेंटेन करना उनका काम होता है। और कंप्यूटर सिस्टम
जहां से मॉनिटरिंग होती है, सर्वेलांस निगरानी होती है सारे कैमरास का वन बाई वन, उस कंप्यूटर को ऑपरेट करना भी हमारे सीसीटीवी ऑपरेटर का काम होता है। और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फोर्स होती है, पुलिस होती है, उनसे कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि अगर कोई वहां पे क्राइम होता है तो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट जो होती है वो हमारे सीसीटीवी ऑपरेटर्स से ही क्वेश्चनिंग करती हैं, तो उनसे भी कोऑर्डिनेशन करना, ये सब सीसीटीवी टेक्नीशियन या ऑपरेटर्स के काम होते हैं जो कि जॉब जनरेट करते हैं। अब सीसीटीवी के में जॉब्स कैसे कैसे होते हैं, तो जब आप हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं या कहीं से भी सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं सीसीटीवी का, तो आप इस तरह से इन पोस्ट में जॉब एक्सप्लोर कर पाते हैं। आप सीसीटीवी टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप सिक्योरिटी सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं, आप नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिसिस बन सकते हैं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, सीसीटीवी ऑपरेटर बन सकते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर बन सकते हैं, सीसीटीवी सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, यानी कई बड़ी कंपनीज हैं सीसीटीवी की जिसमें आप सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, लॉस प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सर्विलांस इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। ये सारे जो रोल्स हैं वो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो जनरेट करते हैं आपके ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेस के बाद। तो ये कई प्रकार से, मतलब ग्रोथ की जहाँ बात होती है, तो ग्रोथ इसमें आप इस तरह से ग्रोथ देख पाते हैं कि सीसीटीवी ऑपरेटर या टेक्नीशियन को कैसे ग्रोथ मिलती है आफ्टर ट्रेनिंग। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स की। पहले का सीसीटीवी के अभी जो लेटेस्ट है, मैंने बात किया कि कैसे सोलार जैसे इंक्रीज हो रहा रैपिडली, तो अब मैं आपको डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी चीजें जो इंटीग्रेट कर दी गई हैं सीसीटीवी से, और अभी फ्यूचर में हमें जो आपको चीजें हमारे यहाँ पे स्कोप ग्लोबल स्कूल यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स में कवर भी की जाएगी कि कैसे हम चीजों को नई टेक्नोलॉजी से उसको कवर कर पा रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारे जो सीसीटीवी जो लगाए जाते हैं वो एआई इनेबल्स होते आ रहे हैं, और उसका यूज करके हम मशीन लर्निंग करके इनहेंस वीडियो एनालिसिस और जो फॉल्स अलार्म होते हैं या कहते हैं फॉल्स गलत चीजें होती हैं उनको हम रिड्यूस कर पाते हैं एआई का यूज करके। देन अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन वाले कैमरास अभी आ रहे हैं, उनका यूज करके हम बेटर जो अपना एम होता है उसको बेहतर तरीके से हम सही कर पाते हैं। देन IoT की बात होती है आज के समय में, फॉर एग्जाम्पल IoT बेस्ड डोरबेल होता है जो हम सीसीटीवी कैमरे से अपने आप को, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने एलेक्सा वगैरह यूज किया होगा, अमेजोन का एलेक्सा यूज किया होगा, तो उसी तरह से कई डिवाइसेस आती हैं जो सीसीटीवी बेस्ड होती हैं। आप मेन गेट से सीसीटीवी में अपना फेस दिखा के अंदर कॉल कर सकते हैं कि हम नॉक कर सकते हैं, तो इस तरह से जो स्पेसिफिकेशन होते हैं IoT इंटीग्रेशन के साथ हम सीसीटीवी में यूज कर सकते हैं। क्लाउड वेरी स्टोरेज, जनरली बेसिकली जहाँ ज्यादा कैमराज होते हैं वहां पे वो सारे वीडियोस को स्टोरेज की प्रॉब्लम होती थी, वहां पे हम जनरली DVR, HDR और हार्ड डिस्क का यूज करते थे, तो आज के समय में हम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज भी यूज करते हैं, वो सारे वीडियोस और फुटेज होता है जिसको हम क्लाउड में सेव कर पाते हैं। मोबाइल एक्सेसर कंट्रोल कैमराज भी अवेलेबल हैं जिनका यूज हम कहीं से भी कहीं भी ट्रेवल करते हुए कहीं भी रहते हुए हम मोबाइल में एक्सेस कर पाते हैं, उसको कैमरे को अपने हिसाब से घुमा पाते हैं, टिल्ट कर पाते हैं और उस एरिया की सारी फुटेज को चेक कर सकते हैं या सर्वेलांस कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ये IoT से कुछ मिलता जुलता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपन इन कैमराज का यूज करके अपने गेट में फेस रिकॉग्नाइजेशन इनेबल करके एक वैध आदमी को ही, लीगल आदमी को ही अंदर एंट्री दे सकते हैं, या ऑफिसेस और अदर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में या होटल्स में हम एंट्री के लिए इसका यूज करते हैं, और कहीं कहीं हम अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए, स्टाफ अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। प्राइवेसी एंड कंप्लायंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि आपका जो फुटेज है सारे सीसीटीवी कैमरा का वो सिक्योर हो, कोई और उसको निकाल ना सके और कोई उसको देख ना सके, तो इससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी इस जॉब रोल में, इस कोर्सेज में आपको दी जाती है। साइबर सिक्योरिटी की सभी जो आपका पूरा सीसीटीवी है वो नेटवर्क से कनेक्टेड हो और उसमें जो प्रॉपर जो साइबर सिक्योरिटी के जो टूल्स हैं वो यूज किए गए हों, तो ये सब चीजें भी डिस्कस की जाती हैं। और ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे
अपॉर्चुनिटीज आपको, अवसर जो है जॉब के आपको मिलेंगे। तो ये कुछ सीसीटीवी से निकल के कुछ नए सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको, अगर आपके पास सीसीटीवी ऑपरेटर की एक्सपर्टीज है तो आपको इन जगहों पे काम मिलेगा। फॉर एग्जांपल आईओटीज में बेस्ड जो इंटीग्रेशन से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ आपको काम मिलेगा। तो ये कई नए फील्ड खुल के आते हैं सीसीटीवी ऑपरेटर्स और सीसीटीवी टेक्नीशियन के लिए, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स कहे जा सकते हैं। बेसिकली सीसीटीवी, जब हम कैरियर प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो इसमें कई आपको अन्य पोस्ट और ग्रोथ नजर आती है, जैसे सीसीटीवी टेक्नीशियन, सीसीटीवी सपोर्ट मैनेजर, सीसीटीवी सुपरवाइजर, सीसीटीवी असिस्टेंट मैनेजर और सीसीटीवी मैनेजर। इस तरह के पोस्ट अक्सर बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े कारपोरेट जोन और बड़ी कंपनीज में हमें मिलती है, या बड़ी सोसाइटीज में भी ऐसे काम हमें करने को मिल सकते हैं आफ्टर सर्टिफिकेशन इन सीसीटीवी। कुछ टॉप कंपनीज हैं सीसीटीवी टेक्नीशियंस की, क्वांटिस है, डॉल्फिन है, लार्सन है, मिलेनियम है, सेफ्रॉन है, सैलम है, सन सिक्योरिटी सर्विसेज है। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कंपनियां हैं जो सीसीटीवी टेक्नीशियन और सीसीटीवी ऑपरेटर्स को हायर करती हैं और एम्पावर करती हैं। कोर्स ओवरव्यू, हमारा जो प्रोग्राम है इसको ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी में, उसमें ट्रेनर आपको ये सब कंटेंट्स प्रिफर करेगा, ये सब कंटेंट्स पढ़ाएगा। फंडामेंटल ऑफ सीसीटीवी सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास के बारे में, कितने टाइप के सीसीटीवी कैमरा होते हैं, 3 to 4 टाइप सीसीटीवी कैमरा यूज करते हैं हम सर्विलांस के लिए। देन उसमें जो एसेसरीज होती है, फॉर एग्जांपल केबल, कनेक्टर, डीवीआर, हार्ड डिस्क या क्लाउड से रिलेटेड चीजें आपको इसमें फंडामेंटल सिखाया जाएगा या बताया जाएगा उनको कनेक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कैसे हम पूरे फुटेज को में से चीजें निकालते हैं। डिजाइन ऑफ सीसीटीवी सिस्टम, सीसीटीवी जब किसी जगह पे किसी प्लेस में सीसीटीवी इंस्टॉल करना होता है, उसका डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं, उसका डिजाइन कैसे बनाते हैं, कहाँ पे हमें कंट्रोल पैनल लगाना होता है, कहाँ पे हमें उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है, सर्विलांस रूम का बनाना होता है, तो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर साइट हम कैसे डिजाइन करते हैं, इसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, आफ्टर डिजाइन हम पूरे प्रोसेस को, पूरे सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करते करेंगे, किस प्रकार से चीजों को कनेक्ट करते हैं, क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या हमें इक्विपमेंट यूज करना है, ये सब चीजें यहाँ पे हम डिटेल में जाते हैं। आफ्टर कैमरा इंस्टॉलेशन, सेकेंडरी वर्क इज द सेटअप ऑफ सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम। ये मॉनिटरिंग रूम होता है जहाँ पे हम बैठ के सीसीटीवी के फुटेज को देखते हैं और सर्विलांस की निगरानी रखते हैं पूरे कैंपस में। सॉफ्ट स्किल और वर्क इथिक्स, साइट में आपको किस तरह से वर्क क्षेत्र में आपको कैसे रहना है, वहाँ पे क्या इथिक्स फॉलो करनी है, किससे कैसे बात करना है, किससे कैसे नहीं करना है, इस इमरजेंसी में फर्स्टली किसको रिपोर्ट करना है, ऐसी कुछ चीजें का एक पूरा मॉड्यूल है जो कि इस चैप्टर में डिस्कस किया जाता है। और ड्यूरिंग द वर्क बेसिक हेल्थ और सेफ्टी प्रैक्टिसेस होना बहुत जरूरी होती है। आपको किसी प्रकार की इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हजार्ड नहीं होना चाहिए, इसके लिए बेसिक हेल्थ और सेफ्टी प्रैक्टिसेस आपको बताई जाती है। कैसे अपन को पीपी किट पहन के ही काम करना चाहिए, ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए, हेलमेट पहन के काम करना चाहिए, किस कलर का पहनना चाहिए, ये सब भी चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस की जाती है। और एट लास्ट सेम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, कि आप कैसे इस कोर्स को करने के बाद खुद को एम्प्लॉयर बना पाएंगे, इंटरव्यू क्रैक करके आपको जॉब मिल पाएगी, अपना रिज्यूमे कैसे क्रिएट करना है, लोगों से इंटरव्यू देते समय क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बताना चाहिए, आपके डेमो इंटरव्यूज, ये सब हमें आपको डिस्कस किया जाता है। और ये कोर्स करने के बाद कैसे आप खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, कैसे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, इसके लिए एंटरप्रेन्योर स्किल की ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। इस कोर्स का, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ है, फीस 5,000 रुपीज है। ये कोर्स आप इसको ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेशन में करेंगे, आपको वहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये फीस डिटेल है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन एट लास्ट ये हमारे नंबर्स हैं जिसमें आप कॉन्टेक्ट करके सर्टिफिकेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कोर्स दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है। जी कुलदीप जी, आप अपना हेलो क्वेश्चन पूछें। सर, मैं बोल रहा था ये मिनिमम इसमें
क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है? 10th पास। टेंथ पास ना? हेलो, जी 10th पास। जी 10th पास। अच्छा। और ये जो आपका 3 महीने का कोर्स है तो ये कहाँ पे करना पड़ेगा? ये सर अगर आप भोपाल में हैं तो इसको ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी में आके करेंगे, और अगर आप कहीं बाहर हैं और यहाँ नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है। अच्छा, ऑनलाइन भी हो जाएगा? जी अच्छा, अगर तो आप भोपाल इसके में लिए, आकर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, आप ज़्यादा उसको सीख पाएंगे, अदरवाइज ऑनलाइन भी अवेलेबल। नहीं सर, ऑनलाइन, क्योंकि एक्चुअल क्या है, भोपाल में तो रह नहीं पाऊंगा मैं बड़वानी से हूँ। कोई बात नहीं सर, ऑनलाइन अवेलेबल है, चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट की जाएंगी और आपको इंडस्ट्री विजिट कराने की कोशिश की जाएगी जहाँ पे आप जाके चेक कर सके, देख सके। तो इसमें जॉब लगेगा, ये तो फाइनल है ना? हाँ हाँ सर, जॉब अवेलेबल है और पहले के जो बैचेस हैं वो जॉब कर रहे हैं, टेक महिंद्रा नानी में बच्चे काम कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी विजिट करके रीचेक कर सकते हैं कुछ चीज़ें। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं उनसे बात करूँगा।